अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आई है। ज़का अशरफ ने अभी अभी थोड़ी देर पहले वो पूरा स्केड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है और ऑफिशियल स्केड्यूल हमारे पास आ चुका है। 4 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के 2 शहरों में एशिया कप खेला जाएगा। टोटल 4 वेन्यूज होने वाले हैं। कोलंबो ने भी एंट्री की है, फाइनल एशिया कप का कोलंबो में खेला जाएगा। पहला मैच मुल्तान में खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेज नेपाल का, और उसके बाद लाहौर में 2 मैचेस होंगे, बल्कि 3 मैचेस पाकिस्तान के अगले लाहौर में होंगे, और कैंडी में कुछ मैचेस हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में होगा, और जो सुपर 4 का बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड है वो 10 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा, और फाइनल भी कोलंबो में है। तो पाकिस्तान को जो मैचेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड में मिले हैं। लाहौर में पाकिस्तान खेलने वाला है, पाकिस्तान कैंडी में खेलेगा, पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा, पाकिस्तान मुल्तान में खेलेगा। तो पाकिस्तान एशिया कप के सारे वेन्यूज़ में एक एक मैच लाजमी खेलेगा, और ज़बरदस्त स्केड्यूल है। पहली बार इतने अरसे के बाद ये हो रहा है कि सैटरडे को वर्किंग डे में पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है, और जो दूसरा सुपर फोर का मुकाबला होगा वो संडे को होगा, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, और फाइनल भी संडे के दिन खेला जाने वाला है। अभी अभी तकरीब हुई है और इसमें मोहम्मद हफीज़ भी शमूलियत थे, काफ़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी आए हैं, पूरा मीडिया भी इन्वॉल्व था, और ज़का अशरफ ने भरपूर तरीके से एक मेगा इवेंट के जरिए एशिया कप का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस किया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस के बारे में सब सवाल थे सहाफ़ियों के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के 2 शहरों में मुल्तान डिज़र्व करता था ये पहला मैच। पाकिस्तान लाहौर में जो है वो काफ़ी मैचेस हो चुके हैं, PSL भी काफ़ी रेगुलर से हो चुके हैं, बड़ी टीम भी लाहौर में आ चुकी हैं, लेकिन मुल्तान का जो क्राउड है, पैशनेट क्राउड है, वो काफ़ी अरसे बाद किसी मेगा इवेंट का जो मैच है वो होस्ट करेगा, तो एक मुल्तान के लिए एजाज़ की बात है। और ये टूर्नामेंट का पहला मैच होने वाला है, और PCB की पूरी तैयारी होगी कि इस जो पहले मैच को ओपनिंग सेरेमनी के तहत एक मेगा इवेंट बनाया जाए और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हों, ICC भी देखे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए कितना कैपेबल है। और ज़का अशरफ ये भी बोला है कि पाकिस्तान जो है वो अब पुरमीद है उनकी 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 टीम के, वो ये एशिया कप ना सिर्फ खेलेगी बल्कि जीतेगी, और इस बार ट्रॉफी पाकिस्तान आएंगी। लास्ट टाइम ही पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली T20 का मैच था वो, और पाकिस्तान वो फाइनल हार गया। ODI में पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं, इंडिया भी बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो एक मेगा इवेंट जो है वो कमिंग है। पाकिस्तान इस बार एशिया कप 2023 में अपने होम ग्राउंड में 2 मैचेस खेलेगी, एक मैच पहला खेलेगी ओपनिंग नेपाल के खिलाफ, और दूसरा मैच खेलेगी सुपर 4 का B2 टीम के साथ। और इसके अलावा जो लाहौर में 2 और मजीद मैचेस होने हैं वो मैचेस हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 3 सितंबर को बांग्लादेश अफगानिस्तान है, 5 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में 2 मैचेस खेल रही है, तो ओवरऑल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव किए थे स्केड्यूल में, लेकिन बड़े कामयाब अल्टरनेटिव है। एक तो पाकिस्तान इस चीज़ में कामयाब हुआ है कि पाकिस्तान ने मुल्तान को ऐड करवाया है, एक एक्स्ट्रा वेन्यू ऐड करवाया है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो कोलंबो का मुतालबा था पाकिस्तान का कि सारा टूर्नामेंट डेम्बूला की बजाय कोलंबो में शिफ्ट हो जाए, तो ये भी अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, और कोलंबो है वो अवेलेबल हो चुका है और वहाँ पर सारे मैचेस होंगे, फाइनल कोलंबो में होगा, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा गेट मनी मिलेगी। पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि इस एशिया कप से ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा उठाया जा सके। कोलंबो के ऐड होने से ये होगा कि हमारे पास एक बड़ा स्टेडियम आ चुका है और ज़्यादातर मैच कोलंबो में होने वाले हैं, कैंडी में बहुत कम मैचेस हैं और पाकिस्तान में 4 मैचेस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू है उसका जो इशू था पाकिस्तान को वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इस मामले से, और इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के 2 मैचेस हों, एक्सपेक्टेड है कि 3 हो जाए अगर फाइनल डाल लिया जाए, तो उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ओवरऑल बड़ा ही फायदेमंद यह स्केड्यूल रहा है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी फैंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अब इंडिया, या आपको पता है कि काफ़ी अरसे से लगा हुआ था कि पाकिस्तान का इस एशिया कप का फ्यूचर क्या हुआ था, क्या होगा। एक वक्त में तो ये भी था कि एशिया कप भी कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के बोर्ड ने जो जदोजहद की, एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मंजूर करवाया गया, और अब ये हाइब्रिड मॉडल है बहुत ही ज़बरदस्त लगा है मुझे। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा है एशिया कप का ये स्केड्यूल। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।